उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने यूपी सरकार को घेरा। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी ने मोदी और योगी दोनों सरकारों को निशाने पर लिया। डबल इंजन की जहां सरकार है यूपी के अंदर, यहां 12-12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है और बिजली कहां जा रही है? बांग्लादेश। आम आदमी पार्टी ने ये भी आरोप लगा दिए हैं कि बिजली के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी करने के लिए नया कानून लाने जा रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार विद्युत उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 2020 में संशोधन करेगी। आरोपों के मुताबिक अगर ये कानून आता है तो बिजली की दरों में 20% तक बढ़ोतरी हो जाएगी। संजय सिंह ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार दिन और रात के लिए बिजली का अलग अलग रेट करने वाली है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में लालटेन जुलूस निकालने वाली है। बिजली समस्या पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर सवाल उठाए। एक भी बड़ा प्लांट बिजली का सरकार ने नहीं लगाया। जो आज बिजली उपलब्ध हो रही है वो समाजवादी सरकार के ही लगे हुए कारखाने बिजली दे रहे हैं।